कैश कांड मामले में गिरफ्तार के बाद आईएएस पूजा सिंघाल को ईडी की रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के पहले दिन गुरुवार को पूजा सिंघाल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे में जांच के लिए डॉक्टरों की टीम ईडी ऑफिस पहुंची। इस टीम में एक डॉक्टर और चार सहयोगी भी थे। पूजा की मेडिकल जाँच करने के बाद डॉक्टर आर ए जायसवाल ने कहा कि वह थोड़ी घबराई हुई थी, चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पूजा सिंघाल का ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि वैसे तो अभी ठीक है और जरूरत पड़ी तो फिर से मेडिकल जांच की जाएगी। आपको बताते चले कि ईडी ऑफिस में आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से फिर पूछताछ की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तारी के बाद ईडी ने गुरुवार को उन्हें रिमांड पर ले लिया था। सुबह 11:15 बजे ईडी की टीम उन्हें होटवार जेल से लेकर ईडी कार्यालय पहुंची। इसके बाद पूजा के चेहरे पर जेल में कटी रात पहली रात का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल 5 दिनों तक पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को 16 मई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे आगे तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।